अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A71 की। काफी डिमांड आ रही थी मेरे पास, काफी लोग पूछ रहे थे, तो आज से इसका स्टॉक मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया है और इसकी प्राइस रखी गई है 70,000 रुपीज़। 70,000 रुपये की प्राइस के अंदर उसको लॉन्च किया गया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 65,000 रुपीज़ और मैं सारा समझ रहा था कि 65,000 रुपये की प्राइस के अंदर आएगा तो काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस होगी, लेकिन 70,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया है। देखते हैं अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है डिवाइस नहीं करती। ये 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरियंट है और इसमें स्नैपड्रैगन 730G की चिपसेट लगाई गई है। तो देखेंगे अभी बॉक्स में एक्सेसरीज क्या मिल रही हैं, डिवाइस कैसी है, डिवाइस की स्पेसिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंप्लीट रिव्यू भी करेंगे, चेक करेंगे कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है यानी 70,000 रुपये की प्राइस के अंदर गैलेक्सी A71 कैसी डिवाइस है। बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल हो गया है, हर दुकान पे आपको मिल जाएगा इस टाइम पे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। तो ये आ गया हमारे पास गैलेक्सी A71 का बॉक्स और यहाँ पे कोई सैमसंग अभी जितनी ए सीरीज आ रही है उसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह मेंशन नहीं करता है। और नीचे की साइड पे देखते हैं तो प्रिज्म क्रश ब्लू कलर है मेरे पास, 8GB रैम 128GB रोम, मॉडल है SM A715, डुअल सिम है, DS मतलब डुअल सिम है और यहाँ पे मेंशन भी है डुअल सिम। तो प्रिज्म क्रश ब्लू कलर को आज करेंगे क्योंकि A51 के अंदर प्रिज्म क्रश ब्लू कलर नहीं आया था, उसमें वाइट और ब्लैक और उसमें पिंक कलर आया था, प्रिज्म क्रश पिंक, प्रिज्म क्रश वाइट, प्रिज्म क्रश ब्लैक, लेकिन आज हमारे पास इसमें ब्लू कलर भी है, नया कलर है, देखेंगे कैसा है। सबसे ऊपर रखा गया वारंटी कार्ड सैमसंग की तरफ से, 1 ईयर वारंटी में आते हैं डिवाइस। अच्छा, यहाँ पे सील लगी हुई है, सील भी काट लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर हमें IMEI स्टिकर्स मिले, IMEI स्टिकर के अलावा। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स के अंदर भी एक मजीद बॉक्स है जो यहाँ रह गया है। सबसे पहले इसमें देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, बैक साइड पे सिम इजेक्टर पिन है और यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन केस है, वाओ, सिलिकॉन केस है, प्रोटेक्टिव केस, क्विक स्टार्ट गाइड है और ये हमारे पास वारंटी कार्ड वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन है, पेपर वर्क है सारा। तो ये एक सिलिकॉन केस मिल गया है हमारे पास, सिम इजेक्टर पिन मिल चुकी है। अच्छा, उसके बाद है हमारे डिवाइस गैलेक्सी A71 इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, क्वाड कैमरा, सुपर फास्ट चार्जिंग, चार तीन चीज़ें हाईलाइट की हैं यहाँ पे सैमसंग ने। मैंने निकाल दिया उसको कवर से बाहर, वाओ कितना खूबसूरत कलर है, इसलिए मैंने ये कलर चूज किया था कि नया कलर है, देखेंगे कैसा है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। प्रिज्म क्रश ब्लू नाम दिया है लेकिन जो उसमें शेड आ रहा है वो ब्लू और ग्रीन का शेड है, ग्रीन ज़्यादा लग रहा है मुझे, डिज़ाइन बहुत प्यारा है, खूबसूरत कलर है। सैमसंग की डिवाइसेज, बाकी सैमसंग भी आजकल आप खूबसूरती पर काम कर रहा है। ये गैलेक्सी A71 का लोगो आ चुका है हमारे पास, ये डिवाइस ऑन हो रही है। मजीद कंटेंट देखते हैं, सबसे पहले चार्जर देखते हैं जिसको सैमसंग ने मेंशन किया है, सुपर फास्ट चार्जर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग ने सुपर फास्ट चार्जिंग मेंशन किया है और सुपर फास्ट चार्जिंग हम देखते हैं इसके यहाँ पे हमारे पास कितने एम्पेयर मिल रहा है। तो ये हमें चार्जर मिल रहा है 9 वाट और 2.77 एम्पेयर यानी 25 वाट का चार्जर है, सुपर फास्ट चार्जिंग सैमसंग क्लेम करता है, 25 वाट चार्जिंग है। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी साइड है वो भी हमें USB केबल नहीं मिलेगी, वो भी हमें टाइप सी मिलेगी, जिन्होंने चार्जिंग केबल दी है और दोनों साइड से टाइप सी कनेक्टिविटी का की केबल है, ये आप देख सकते हैं। आपको जो मोबाइल में लगनी है वो भी टाइप सी कनेक्टिविटी है और जो चार्जर में लगनी है डॉक में वो भी टाइप सी कनेक्टिविटी है, दोनों साइड टाइप सी कनेक्टिविटी होगी। और यहाँ पे 25 वाट का चार्जर मिल रहा है बॉक्स में, अच्छी बात है। अच्छा जी, ये है हैंड फ्री, तमाम एसेसरीज वाइट कलर की हैं और बिफोर वाली हैंड फ्री दी है सैमसंग ने इस दफ़ा, काफ़ी ज़बरदस्त हमें यहाँ पे एसेसरीज मिल रही हैं। 25 वाट का चार्जर है, डुअल साइड टाइप सी कनेक्टिविटी वाली केबल है, एक हैंड फ्री है और एक सिलिकॉन केस है, ये एसेसरीज हमें मिल रही हैं बॉक्स में A71 की। अब हम डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। तो ये आ गए हमारे पास डिवाइस गैलेक्सी A71, डिस्प्ले बहुत प्यारा है, मुझे कलर्स बहुत प्यारे आए लगेगा इस डिवाइस के। सबसे पहले फर्स्ट लुक देते हैं डिवाइस का, वो राइट साइड पे वॉल्यूम रोकर्स मिल रहे हैं, वॉल्यूम रोकर्स के साथ पावर ऑन ऑफ की लगाई गई है, दोनों चीज़ें राइट साइड पे मिलेंगी। अप साइड ब्लैंक है, अप साइड पे सिर्फ नॉइस कैंसलेशन का माइक मिल रहा है, इसी तरह लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे मिल रही है और यहाँ पे मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ स्लॉट कौन सी हमें मिलेगी यहाँ पे सिम की। मेरे ख्याल से 3 कार्ड स्लॉट ही है, देखते हैं निकाल के।
बिल्कुल, 3 कार्ड स्लॉट मिलेगी, 2 नैनो सिम है और 1 मेमोरी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है। तो 128 GB के स्टोरेज में आपको इसके अलावा मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी मिल रहा है। डाउन साइड डिवाइस की डिस्कस करते हैं, टाइप सी कनेक्टिविटी का चार्जिंग जैक है, 3.5 mm का ऑडियो जैक है और स्पीकर है, 3 चीज़ें डाउन साइड पर लगाई गई हैं। बैक साइड डिवाइस की देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। डिज़ाइन तो वही है जो गैलेक्सी A51 में था, वही डिज़ाइन है A71 में भी, लेकिन कलर काफ़ी प्यारा है इस दफ़ा, प्रिज्म क्रश ब्लू कलर है। कैमरों का साइड वही है, एल शेप में कैमरे लगाए गए हैं, 4 कैमरे हैं विद LED फ्लैश। फ्रंट साइड डिस्कस करते हैं तो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, एक स्मॉल होल पंच कैमरा है जिसको यहाँ पे सैमसंग इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कहता है। इसी तरह अगर स्पेक्स की बात करें यहाँ पे तो डिस्प्ले साइज होगा 6.7 इंच का डिस्प्ले लगाया गया है, फुल HD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले जिसका मैंने आपको बताया। रेजोल्यूशन यहाँ पे होगा 1080x2400 पिक्सल्स का फुल HD प्लस जैसे रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे जो डिस्प्ले टाइप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुपर अमोलेड प्लस डिस्प्ले लगाया गया है। यहाँ पे सिर्फ अमोल्ड नहीं है, सुपर अमोल्ड नहीं है, सुपर अमोलेड प्लस डिस्प्ले है। तो कलर्स बहुत प्यारे हैं, रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है कलर्स का, और पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे 393 PPI की मिल रही है। इसी तरह स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90% है, बेजल्स ना होने के बराबर हैं, और बिल्कुल चिन तो है ही नहीं, ना होने के बराबर चिन है। वन अक्सर डिवाइसेस के अंदर बेजल्स भले ना हो लेकिन चिन होती है बड़ी, यहाँ पे चिन भी बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे जो नॉच का एरिया है वो भी बिल्कुल नहीं है, एक स्मॉल होल पंच कैमरा लगाया गया है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन दी गई है फ्रंट साइड पे, और बैक साइड प्लास्टिक की है, बैक साइड प्लास्टिक है। फ्रेम जो बनाया गया है वो अल्मोनियम का है, और फ्रंट साइड जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन वाला है। तो ये है इसका डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी। और यहाँ पे जो 3 कलर्स हैं, प्रिज्म क्रश ब्लैक कलर है, प्रिज्म क्रश व्हाइट कलर है और प्रिज्म क्रश ब्लू कलर है। मैंने आपको ब्लू कलर खोल अनबॉक्स किया दिखाया है, कलर नया है, व्हाइट और ब्लैक कलर तो A51 में भी आए हुए थे लेकिन ये नया कलर आया है ब्लू कलर। फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट साइड पे 32 MP का सेल्फी कैमरा लगाया गया है विद अपर्चर F2.2, और इसी तरह बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 MP का मेन कैमरा है विद अपर्चर F1.8, और इसके अलावा 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है विद अपर्चर F2.2, 5 MP का मैक्रो कैमरा है विद अपर्चर F2.4, इसी तरह 5 MP का डेप्थ सेंसर लगाया गया है विद अपर्चर F2.2। तो यहाँ पे कैमरास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, काफ़ी आउटलास्ट कैमरा होने वाला है। सैमसंग के कैमरा 64 MP का, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का डेप्थ सेंसर और 5 MP का मैक्रो कैमरा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है डिवाइस। कैमरा रिव्यू भी करेंगे, कैमरा चेक करेंगे बाद में अगली वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ स्पेक्स बता रहा हूँ और अनबॉक्सिंग हमने करनी थी तो आपको डिवाइस में बॉक्स में एसेसरीज बतानी थी। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730 की चिपसेट लगाई गई है, स्नैपड्रैगन 730 की चिपसेट होगी। इसके साथ हमारे पास 2.2 GHz का ऑक्टाकोर CPU होगा, और GPU यहाँ पे मिलने वाला है Endino 618 के GPU के साथ। 8 GB रैम विद 128 GB रोम की डिवाइस है, 3 कार्ड स्लॉट है, मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करती है डिवाइस, यानी डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं अलग से इसमें। इसी के साथ यहाँ पे हम बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे मिल रही है 4500 mAh की, और यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी दोनों साइड से मिलने वाली है। उसके अलावा 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डिवाइस, बॉक्स में हमें मिल रहा है 25W का चार्जर, तो एक अच्छी बात है क्योंकि अक्सर बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता, डिवाइस सपोर्ट करती है लेकिन बॉक्स में हमें नहीं मिल रहा होता, लेकिन यहाँ पे बॉक्स में भी 25W का चार्जर हमें मिलेगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देख लेते हैं, एंड्रॉइड 10 पे आती है डिवाइस आउट ऑफ बॉक्स, और One UI 2.0 है सैमसंग का। इसके अलावा यहाँ पे सेंसर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले लगाया गया है इस डिवाइस के अंदर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिलने वाली है, जेरोस्कोप सेंसर भी मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट एक जबरदस्त डिवाइस होने वाली है स्पेसिफिकेशन वाइज। सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी वो सबसे पहले जो डिवाइस में जो फर्स्ट लुक होता है डिवाइस का, वो उसका डिस्प्ले है, बहुत प्यारे कलर्स हैं, डिस्प्ले बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया डिस्प्ले सैमसंग गैलेक्सी A71 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे कलर्स हैं, तो डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आया। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी होगी डिवाइस की, कैमरास कैसे होंगे, वो उसके रिव्यू में चेक करेंगे। अभी तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आप लोग की क्या राय है प्राइस के वाले से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डिवाइस के वाले से क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।